f is continuous on 0, pi. Again यहाँ पे 0, pi continuous on domain दिया है, point नहीं दिया है, लेकिन फिर से हमको ये देखना है कि कौन से number repeat हो रहे थे, pi by 4 repeat हो रहा है और pi by 2 repeat हो रहा है, मतलब दिया गया question जो है वो pi by 2 पर और pi by 4 पे continuous है, तो उस तरीके से हम मालूम करेंगे since function is पहले एक number लेते हैं pi by 2, function is continuous at x equal to pi by 2, तो हम लिख सकते हैं x tends to pi by 2 plus limit x tends to pi by 2 minus equal to f of pi by 2. तो जैसा कि देख सकते हैं कि pi by 2, अच्छा मैंने पहले pi by 2 ले लिया है, ठीक है, तो pi by 2 जो है equal की sign यहाँ है और less than की भी sign यहाँ है, मतलब ये दोनों value बराबर ही आने वाले हैं, तो हम लोग ये value skip करते हैं find करना और ये दोनों को simultaneously solve करेंगे तब भी answer मिल जाएगा. तो x tends to pi by 2, क्योंकि यहाँ पे direct हमको value रखने वाला method use करना है, इसलिए इसको डायरेक्ट कर सकते हैं. तो pi by 2 plus यानी कौन सा क्वेश्चन, कौन सा फंक्शन लेना रहेगा मुझे, सेकंड, थर्ड, सॉरी थर्ड, इट इज साइन एक्स. pi by 2 माइनस यानी मुझे यहां पर 2 लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 2x cot x प्लस b, ये फंक्शन लिखना है. तो अब जैसा कि डायरेक्ट pi by 2 की वैल्यू रख देंगे इसमें, तो a cos 2 pi by 2 माइनस b sin pi by 2 इक्वल टू यहां पर x की प्लेस पर pi by 2, ये cot x प्लस b है, cot pi by 2 प्लस b. तो ये 2 कैंसिल हो गया, cos pi होता है माइनस 1 तो माइनस a बचेगा, sin pi by 2, sin pi by 2 जो है वो होता है 1 तो माइनस b बचेगा, ये 2 कैंसिल हो गया, cot pi by 2 जो है वो होता है cos pi by 2 upon sin pi by 2, तो ये तो 0 होता है, तो 0 by anything is 0, तो ये पूरा number vanish हो गया, सिर्फ जो है वो हमारे पास b बच रहा है, minus a minus b equal to b. तो हम इसको क्या करते हैं यहाँ पर, अगर shift कर देते हैं equation को, b जो है वो सारे b एक तरफ लिख लेते हैं, तो b एक तरफ लिखेंगे तो ये हो जाएगा b already यहाँ है, minus b उधर जाएगा, minus a उधर जाएगा, तो plus a हो जाएगा, तो a plus 2b equal to 0, ये equation हमको मिली. हमने क्या किया है, ये minus b इधर गया plus b, ये minus a इधर आया plus a, तो a plus 2b equal to 0, ये equation हमको यहाँ लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, इसको Roman equation 1 number दे देते हैं. अब हम शो करेंगे कि जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन जो है वो x equal to pi by 4 पे भी कंटिन्यूअस है, तो हमारा जो लिमिट का वो है वो चेंज हो जाएगा, हमारा जो ये है ये हो जाएगा कि फंक्शन, सिंस फंक्शन इज x tends to pi by x equal to pi by 4 पे कंटिन्यूअस है, तो pi by 4 plus minus और f of pi by 4. तो फिर से हम देखेंगे कि greater than और इक्वल साइन सेम है, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम आनी है, तो ये वैल्यू स्किप करते हैं, ये दोनों वैल्यू रखते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 f ऑफ x जो है ग्रेटर देन 4 यानी दूसरा फंक्शन है हमारे पास, और पहला फंक्शन है वो पाई बाय 4 माइनस के लिए पहला है, सेम पाई बाय 4 रख देना है हमको, पाई बाय 4 cot pi by 4 plus b, यहाँ pi by 4 plus a root 2 sin pi by 4. तो अब जैसा कि हमको पता है cot pi by 4 जो है वो 1 होता है और ये cancel हो जाएगा, तो यहाँ बच रहा है pi by 2 plus b. sin pi by 4 होता है 1 by root 2, तो root 2 cancel हो जाएगा, यहाँ बच रहा है pi by 4 plus a. तो ये जो pi by 2, pi by 4 है, इसको एक जगह रखना पड़ेगा हमको, तो हम क्या करते हैं, ये a इधर ही रहने देते हैं,
ये प्लस बी इधर आ जाएगा, इधर आएगा, माइनस भी हो जाएगा, ये पाई बाय फोर इधर जाएगा, पाई बाय टू वहाँ पहले से है, ये पाई बाय फोर इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है पाई बाय फोर। ठीक है, तो अब हमारे पास ये इक्वेशन टू हो गई। तो यहाँ देखा जाए तो अगर एक x इक्वल टू पाई बाय फोर पे कंटिन्यूअस है तो एक इक्वेशन मिल रही है, x इक्वल टू पाई बाय टू पे कंटिन्यूअस है तो दूसरी इक्वेशन मिल रही है। यानी a और b की वैल्यू मालूम करने के लिए अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखते हैं देयरफॉर a प्लस, सिंस a प्लस टू बी इक्वल टू जीरो, a माइनस बी इक्वल टू पाई बाय फोर। So we will subtract this. If we will subtract this, sign will change. Minus a cancel. 2b plus b is 3b and 0 minus 4 is minus pi by 4. 3 will shift this side, minus pi by 12. So अब ये b की value हमको मिल गई है minus pi by 12. अब b की value हम कोई भी एक equation में रख सकते हैं to get the value of a. Suppose 1 में रख रहे हैं तो a प्लस टू बी की वैल्यू माइनस पाई बाय ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, के टू सिक्स या ट्वेल्व कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू माइनस पाई बाय सिक्स हुआ, ये प्लस ये उधर जाएगा शिफ्ट हो के प्लस पाई बाय सिक्स। तो ये हो जाएगा a और b की वैल्यू दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आएगी।